आईपीएल 2024 के मैच नंबर 67 में दोनों टीमों के पास खोने और पाने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है 5 करोड़ रुपए जीतने के लिए। कहां? फैंटेसी 11 पे। आज हम आपको बताते हैं, टिप्स देते हैं किस तरीके से आप ये 5 करोड़ अपने नाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते कल के मुकाबले में क्या होगी दोनों टीमों की प्रेडिक्टेड लाइनअप। तो मुंबई की अगर बात करें तो ईशान किशन, रोहित शर्मा तो करेंगी ओपनिंग, उसके साथ में सूर्य कुमार यादव, नेहाल वदेरा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, टिम डेविड, अंशुल कंबोज, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और नुमान तुसारा। इसमें लाइनअप में चेंज नहीं करना चाहेगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल लाइनअप लग रहा है इनको और एंड ऑफ द सीजन है तो इसी लाइनअप के साथ जाना चाहेगी, ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अंशुल कंबोज के रूप में इनको एक बेहतर बॉलर मिल गया है। हालांकि निगाहें होंगी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पंड्या के फॉर्म पे, क्योंकि तीनों का फॉर्म उतना बेहतर नहीं है जितना इंडियन क्रिकेट टीम को चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये इनका आखिरी कुछ टेस्ट चल रहा है तो फॉर्म में वापसी करने की जरूरत होगी इन खिलाड़ियों को। वहीं बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल, जिनका फॉर्म मुंबई के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन रहता है, वो खेल रहे हैं आज तो मुंबई के लिए, मुंबई के अगेंस्ट जो लाइनअप रहेगी, केएल राहुल कैप्टन, काई मेयर्स या क्विंटन डिकॉक में से एक खेल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक का फॉर्म नहीं रहा इस सीजन, इसलिए काइल मेयर्स को प्रेफर करेंगे, जैसे कि पिछले सीजन खिला रही थी इनको लखनऊ की टीम। दीपक हुडा, मार्कस टॉइंस, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, कृणाल पंड्या, रवि बिश्नोई, अर्शद खान, नवीन उलक, युद्धवीर सिंह चरक, तो ये लाइनअप होगी, 11 होंगे और इसमें ज्यादा चेंज किया नहीं है ओवर द मैचेस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगभग यही 11 खिलाई है पूरे सीजन में, तो इसी के साथ लगभग जाना चाहेंगे। अब स्टेक पे तो कुछ है नहीं, इनके बाहर ही हो चुके हैं रेस से प्लेऑफ के, तो अब कुछ बचा नहीं है, तो इस लाइनअप के साथ ही जाएगी ये टीम। सीधे आ जाते हैं अब फैंटेसी टीम पे, कौन से ऐसे 11 खिलाड़ी है जो आपको 5 करोड़ रुपए जिताएंगे। तो सबसे पहले बता दे केएल राहुल, निकोलस पूरन, ईशान किशन, तीन आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन मिल जाएंगे और इन तीनों को आप जरूर रखिएगा। केएल राहुल का जैसे हमने बात किया कि ये बंदा जो है मुंबई के खिलाफ दबा के रन बनाता है, तो इसको कप्तान भी अपने फैंटेसी टीम का बना के रखिएगा। मुंबई के खिलाफ जरा इनका अलग ही दुश्मनी चलता है। निकोलस पूरन, ईशान किशन को तो रख ही लीजिएगा 100%, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये जो तीन बैटिंग ऑप्शन है इसमें से तिलक वर्मा तो फॉर्म में है बट इन दोनों को फॉर्म में वापसी करनी है, इस वजह से ये दोनों ज्यादा ही अपना फॉर्म लाने की कोशिश में रहेंगे, जिस वजह से ये भी रन बना सकते हैं और आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। वाइस कप्तान मार्कस टॉइनिस को बनाइएगा, मार्कस टॉइनिस के भी नंबर मुंबई के खिलाफ अच्छे हैं, मार्कस टॉइनिस को वाइस कप्तान बना दीजिएगा। हार्दिक पंड्या को भी रख लीजिएगा, फॉर्म में वापसी किया है इन्होंने पिछले कुछ मैचों में देखा जाए तो विद द बॉल, तो बॉल से विकेट ले रहे हैं तो विकेट लेके आपको पॉइंट्स अच्छे खासे दिला सकते हैं। साथ में जसप्रीत बुमराह, नवीन उलक और अर्शद खान का ऑप्शन है आपके लिए बॉलिंग में, तो इन तीनों को बॉलिंग में रखिएगा। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी पर्पल कैप के रेस में है, नवीन उलक विकेट छटका लेते हैं शुरू में, और अर्शद खान की बॉलिंग आपने पिछले मुकाबले में देखी होगी, इस वजह से ये आपके 11 होंगे। कप्तान, वाइस कप्तान केएल राहुल और मार्कस टॉइनिस को बना लीजिएगा। अब आते हैं क्या प्रेडिक्ट करती है खेलना इस मुकाबले से, तो बता दे आपको कि केएल राहुल विल हिट 80 रन्स एंड दिस कैन बी हिज लास्ट मैच फॉर एलएसजी। तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कि केएल राहुल 80 रन या उससे ज्यादा भी बना देंगे, लेकिन ये उनकी लखनऊ सुपर जायंट्स में आखिरी मुकाबला होने वाली है, मतलब लखनऊ छोड़ेंगे अगले सीजन के लिए, रिटेन नहीं होंगे केएल राहुल कप्तान, जो कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जसप्रीत बुमराह एंड नवीन उलक विल ग्रैब 3 और 2 विकेट रेस्पेक्टिवली, यानी जसप्रीत बुमराह 3 विकेट लेके अपनी पर्पल कैप वापस ले आएंगे और नवीन उलक 2 विकेट लेंगे, तो ये दो हमारी बोल्ड प्रेडिक्शन है इस मुकाबले से। आपको क्या लगता है और क्या घटेगा इस मुकाबले में, हमें कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे ही फैंटेसी के वीडियोस के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।